तो हेलो गाइस, अगर ड्रीम ब्यूटी चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शैलेश। और दोस्तों, 2 दिन से मैंने वीडियो कोई भी पब्लिश नहीं की क्योंकि मैं एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए गया था नासिक, महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है। वहाँ पे मेरा फिजिकल डेट थी 31 तारीख को। ओके, तो 31 तारीख को मेरा फिजिकल हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि फिजिकल वगैरह कैसे होता है। जो भी कुछ गलत अफवाह वगैरह आपको देखने को मिल रही है यूट्यूब से या अपने फ्रेंड वगैरह से, जो कुछ मतलब जो फ्रेंड फ्रेंड जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं करता है वो घर आके अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के गलत बातें बताता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो जो कैंडिडेट्स का अभी फिजिकल बाकी है एसएससी जीडी का, उनका अभी सितंबर में है, तो उनको ये वीडियो कंप्लीट अगर देख लिया तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ कि पहले क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप वहाँ पर जाओगे तो आपको सिर्फ अपना 4 फोटोग्राफ्स और अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाना है। ओके, बस इतना साथ लेके जाओ, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो वहाँ पे जाने के बाद आपकी जैसे एंट्री होती है तो आपको नंबर के हिसाब से बिठाया जाता है। तो आपके जैसे रोल नंबर है उसके हिसाब से आपको बिठाया जाता है। तो नंबर के हिसाब से बिठाने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जो कि आपको फिलअप करने होते हैं। ओके, जिन पर आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस, सिग्नेचर, थंब वगैरह सब कुछ वहाँ पर लगाया जाता है बारी बारी से। तो वो डॉक्यूमेंट्स फिलअप होने के बाद आपका जो एक नॉर्मल हाइट होती है, ओके, जो कैंडिडेट 1.70 से भी कम हाइट वाले होते हैं उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उनको एक साइड में बिठा दिया जाता है। और जो कैंडिडेट्स वहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं उनको रेडी कर दिया जाता है शूज़ पहना के दौड़ने के लिए। ओके, उनको टाइम दे दिया जाता है 5 मिनट, तो उनको शूज़ वगैरह पहनने दिया जाता है और उनको रेडी कर दिया जाता है। तो कुल हमारी 120 कैंडिडेट की बैच बनाई गई थी। और जो हमारा फिजिकल स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल 7 बजे स्टार्ट हो गया था। ओके, बिल्कुल सुबह सुबह ही, कम से कम हमारी जो रिपोर्टिंग टाइम थी 5:30 बजे की बताई गई थी, लेकिन हमें 4 बजे ही अंदर ले लिया गया था। 4 बजे ही हमारा फिजिकल, मतलब हमें गेट्स एंट्री मिल गई थी। और हमारा 7 बजे जो प्रोसेस थी दौड़ने के लिए हमें छोड़ दिया गया था। कुल 120 बच्चों को छोड़ दिया गया था। और दौड़ने से पहले बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो ना दौड़े, ताकि नौकरी से ज़्यादा बड़ी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ है। ओके, अगर लाइफ रहेंगे तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमको दिए गए। फिर हमें वहाँ पर बताया गया कि 600 मीटर का पहले राउंड है, एक राउंड नॉर्मली वार्म अप के लिए, वो आपको आपको जैसा दौड़ना है वैसे दौड़ो। और 600 मीटर के बाद 1100 मीटर के 4 राउंड है। तो हर राउंड में आपको एक टोकन मिलेगा, जो 4 टोकन जिसके पास होंगे और 24 मिनट से पहले आएगा वो क्वालिफाई कर लेगा, ऐसे हमें इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दे गए। तो जैसे ही स्टार्ट किया तो पहला टोकन मिल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो वहाँ पे कुछ नीला, हरा और ऐसे करके कुछ 4 टोकन हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो वो टोकन जैसे ही 4 मिल जाते हैं और हम 24 मिनट से पहले आ जाते हैं, मतलब 24 मिनट तक आते हैं, तो हम वहाँ पे क्वालिफाई कर लेते। तो 120 कैंडिडेट्स हम दौड़े थे और हमारी बैच में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 90। तो हम 90 कैंडिडेट्स ने रेस क्वालिफाई कर ली थी। ओके, तो मैं आया था 21 मिनट में। ओके, रियल बात बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ बात नहीं बोलूँगा कि 16 मिनट में आया था, 17 मिनट में आया था, ऐसा कोई बोलूँगा नहीं, मैं रियल में 21 मिनट में आया था। तो मेरी जैसे रेस क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद हम सबका वहाँ पे फ़ोटो लिया गया, क्वालिफाई कैंडिडेट्स का एक बोर्ड हमारे हाथ में दे दिया गया और हमारे वहाँ पे वीडियो शूटिंग भी हुई और हमारा फ़ोटो भी लिया गया। और फिर हमें बता दिया गया कि आपको जहाँ पे पहले बिठाया गया था वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो बैठने से पहले हमें एक टाइम दिया गया, कुछ खाना है, पीना है, बाथरूम वगैरह पर जाना है, वहाँ पे आप जा सकते हो। ओके, तो मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि आपको वहाँ पे जाने से पहले आपको कुछ खाना वगैरह साथ लेके जाना है, जैसे सेब, केला वगैरह कुछ भी आप साथ में लेके जा सकते हो, पानी की बोतल साथ लेके जानी है, शूज़ लेके पहन के जाना है आपको। तो हमें वहाँ पे टाइम दिया गया, फिर हमारे जेब में जो हमारे पैसे थे हमने पैसे से वहाँ पे कुछ खाने को हमें वहाँ पे मिला और हमारे पास जो सेब केला वगैरह कुछ था वो हमने खा लिया। उसके बाद हमें बिल्कुल रिलैक्स हो गए वहाँ पे जाने के बाद, और वहाँ पे बिल्कुल गाली नहीं दी, मारते नहीं, फिरते नहीं, एकदम ईजिली होता है। तो जैसे ही कुछ हमने जो हमारे पास खाना था वगैरह हमने खा लिया, फिर हमें फिर से एक लाइन में बिठा दिया गया नंबर के हिसाब से। ओके, तो हमको वहाँ पे चेस्ट नंबर वगैरह सब मिलता है जो सीने में हमको बांधना होता है। तो वो बांधने के बाद हम फिर लाइन में बिठा दिया गया और कुछ आधे घंटे तक हम वहाँ पे बैठे। आधे घंटे के बाद कुछ सीओ साहब वगैरह आए जिन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि आपकी हाइट कैसे नापी जाएगी, चेस्ट का मेजरमेंट कैसे होगा, वेट का कैसे होगा वगैरह सब कुछ हमें पहले बता दिया गया। एक लाइव डेमो भी दिखाया गया एक कैंडिडेट्स को खड़े करके। तो उसके बाद हाइट हमें बताई गई कि 170 आपकी होनी चाहिए, अगर रिलेशन है कुछ मराठा कास्ट है वगैरह वगैरह कुछ है तो आपको पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो देखने के बाद वहाँ पे जो रिलेशन होता है वो मिल जाता था। ओके, तो 170 जो कैंडिडेट्स की हाइट आती थी वो क्वालिफाई कर जाते थे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट जो कैंडिडेट हाइट में क्वालिफाई कर लेता वो चेस्ट के लिए जाता, जो चेस्ट में क्वालिफाई कर लेता वो वेट में जाता, फिर वेट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेता वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाता जहाँ पर हमें पहले बिठाया गया था। ओके, तो वहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सब हमें उनको पहले से ही उनको पता होता है। तो वहाँ पर सिर्फ वो टिक मार करते हैं कि ये क्वालिफाई हो गया या नॉट क्वालिफाई हुआ। तो मेरा जैसे नंबर आया, मेरी हाइट हुई 178, मेरी हाइट आई 178। और मेरी चेस्ट का जैसे ही मैं गया तो मेरी चेस्ट पहले ITBP ट्रेनमन में मेरी हाइट आई थी 170,
सॉरी 187 आई थी, ओके। और यहाँ पे आई मेरी हाइट, मेरी हाइट आई 178 और मेरी चेस्ट आई 182, ओके। मेरी हाइट यहाँ पे आई 182 और फुलाने के बाद 6 इंच फुली थी, ओके। तो 6 इंच फुली थी और नॉर्मल 82 आई थी, ओके। तो जैसे ही चेस्ट मेरा हो गया, फिर मैं वेट देने गया तो मेरा 65 kg वेट आया, फिर मैं वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया। तो क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पे आपको इतना बिठाएंगे कि आपके हाथ पैर बैठते बैठते दर्द करने लग जाएंगे, इतना बिठाएंगे, ओके। रियल बात बताओ, क्योंकि आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई करने के बाद आपको दूसरी जगह पे जाके बिठा दिया जाता है, जहाँ पे आपको और एक कागज़ दिया जाता है, जो कागज़ आपको साथ में मिलता है घर, तो वो कागज़ आपको वहाँ पे फिर से फिलअप करना होता है, रोल नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना सिग्नेचर, अपना थंब वगैरह सब देना होता है फिर से। और ऑलरेडी वो जो दो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपने से फिलअप किए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहते हैं, और ये जो तीसरे लास्ट में देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमें घर लाने के लिए दे दिया जाता है। तो मैं इस वीडियो में वो डॉक्यूमेंट्स का मेरे पास फोटो नहीं है, मैं दूसरी वीडियो में आपको वो फोटो दिखा दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि सर हमें वो डॉक्यूमेंट्स देखना है कैसा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा क्वालिफाई का, ओके। और इतना होने के बाद तो हमें तो पता चल गया था कि हम क्वालिफाई हो गए, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत हो गए थे। और हमें अब हमने सोच लिया था कि अगर हमें रात के 12 बजे भी छोड़ेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या यहाँ पे सिर्फ बैठना है, और पानी पीने के लिए, बाथरूम के लिए बार बार कितनी भी बार जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो छोड़ दिया जाता है। और वहाँ पे बिल्कुल मारते नहीं है, गाली देते नहीं है, बिल्कुल ऐसे कोई डरने की बात नहीं, ओके। तो जैसे हमारे जो 31 तारीख, तो कुल 350 कैंडिडेट्स आए थे, 350 कैंडिडेट्स ने वहाँ पे आए थे, कुल 500 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, लेकिन 350 कैंडिडेट्स ही आ पाए। तो सबका फिजिकल होने के बाद, हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट होने के बाद, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे 350 कैंडिडेट्स में से, वो थे हुए थे 70 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे पूरा हाइट, चेस्ट और वेट और फिजिकल को। जो बाकी बचे 280 कैंडिडेट, वो सब डिस्क्वालीफाई हो गए थे हाइट और चेस्ट और वेट में, एक कैंडिडेट भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, ओके। हाइट और चेस्ट और 5 किलोमीटर रेस में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए, सबसे ज़्यादा हुए चेस्ट में और हाइट में। तो इतना होने के बाद हमें दोपहर 1 बजे ग्राउंड के बाहर छोड़ दिया गया। हमारे जो ऑलरेडी जो दो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे फॉर्म, उन्होंने दिए थे, वो डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर होता है, और जो घर में जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है उस पर कम से कम 5 से 6 लोगों के सिग्नेचर और थप्पे लगाए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर होना ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप हाइट, चेस्ट वगैरह सब क्वालिफाई कर लेते हो, तो उन जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर सिग्नेचर और थंब लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमें कम से कम 6-7 घंटे बिठाया, फिर हमारा जैसे सिग्नेचर और थंब वगैरह हो गया तो हमें एकदम तुरंत बाहर छोड़ दिया, एकदम इतने प्यार से, बिल्कुल मतलब आर्मी की वैकेंसी में जैसे मारते हैं, फौजी गाली देते हैं ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एक गाली भी नहीं दी, किसी को मारा भी नहीं, और बिल्कुल किसी भी लड़के ने वहाँ पर परेशान नहीं किया, सब एकदम प्यार से हुआ, एकदम प्यार से सबको बाहर छोड़ दिया 1 बजे दोपहर 1 बजे हम सबको वहाँ पर फ्री कर दिया गया। और सबको एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया गया जिसमें लिखा है कि आप क्वालिफाई हो या नहीं। अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको बिल्कुल 100% मेडिकल का जो एक एडमिट कार्ड होता है वो आएगा, और मैं थोड़ा छानबीन या SSC को कुछ कॉल वगैरह, मेल वगैरह करके पूछूंगा कि एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है मेडिकल का, ओके। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है मेडिकल का। तो मुझे कमेंट्स में बताना कितने जो लोग हैं जो SSC GD का फिजिकल क्वालिफाई किए हैं और कितने नॉट क्वालिफाई है, ओके। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी फिजिकल होने वाला है उन सबको बेस्ट ऑफ लक, और अपना बेस्ट देना, क्योंकि चेस्ट और हाइट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई हो रहे, तो आपको चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका फिजिकल अभी भी 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाकी है, तो आपको बहुत ज़्यादा पुशअप लगाने हैं अपने चेस्ट में फ्लाव लाने के लिए, क्योंकि चेस्ट जो नापते हैं वो नापते हैं निप्पल के नीचे। पहले तो हमारे हाथ खड़े कर दिया जाता है और उसके बाद टेप लगाया जाता है, ओके। तो फिर नीचे करने के लिए बोला जाता है, फिर हमारे अंदर जो सांस खींची होती है उसको भी बाहर छोड़ दिया जाता है, हमारे शोल्डर को भी नीचे खींच लिया जाता है, पेट को भी बाहर निकालने के लिए बोला जाता है, फिर हमारी नॉर्मल चेस्ट ली जाती है जो कि 80 आनी चाहिए, ओके। 80 आई तो फिर बोलते हैं कि फुलाओ, तो हम फुला सकते हैं जैसे हमें चाहे वैसे फुला सकते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बोला था कि नाक से भी और मुंह से भी सांस खींचनी है, और इतनी हवा अपने सीने में भर लेनी कि कम से कम आपका सीना जो है 5 से 6 इंच फुल जाना चाहिए, ओके। तो आपको अभी से ही घर से बहुत ज़्यादा पुशअप लगाने हैं, और भर्ती को जाने से पहले आपको कुछ खाना वगैरह साथ लेके जाना है, ओके। वहाँ पर भी मिला था हमें पोहा, मिला था खाने के लिए, तो बस हमने कुछ 10-20 रुपये का वहाँ पर खाया, तो कुछ मतलब अच्छा लगा था, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि 12 बजे तक कोई भी भूखा रह सकता है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दौड़ने से पहले कुछ मत खाना, क्योंकि नासिक में जो फिजिकल के जा रहे हैं उनका फिजिकल सुबह ही हो जाता है, मतलब 1 बजे तक तो सब कैंडिडेट्स को बाहर छोड़ दिया जाता है क्वालिफाई करके। तो बस यही कुछ प्रोसेस थी हमारी, पूरा दिन का मैंने बता दिया आपको, मतलब पूरा दिन भी नहीं, 12 बजे 1 बजे तक तो हम फ्री हो गए थे, पूरा मतलब 4 बजे से लेकर 1 बजे का तक का जो प्रोसेस था मैंने आपको कम्प्लीट बता दिया। तो यही कुछ हुआ था, और
हम आए थे 350 कैंडिडेट्स, जिनमें से हम 70 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लिए। तो और कुछ जानकारी अगर मुझसे छूट गई है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको 100% बता दूंगा कि आपके कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, तो आई होप मैंने जो आज आपको ये जानकारी दी अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। ओके, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट SSC JDE से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी जानकारी मिलेंगी एकदम रियल मिलेगी, कोई भी झूठी बात बिल्कुल नहीं बताऊँगा। और जो जो कैंडिडेट्स को अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछना। ओके, तो मिलते हैं ऐसे को नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।